पिछले 24 घंटों में देश में कुल 2,74,994 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में आज से शनिवार तक की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस माह के अंत में आयोजित होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को 84,475 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे प्रदेश के आईटी पेशेवरों को बिहार बुलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदहा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, मौके से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के खुदीराम केंद्रीय कारा से दीवार फांदकर भागते कैदी धराए, लापरवाही बरतने के आरोप में कई पुलिसकर्मी निलंबित। गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार, हरियाणा से हाजीपुर लाई जा रही थी खेप। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। केंद्र सरकार के दखल से रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम में 50% तक हुई कमी। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। और कोरोना संक्रमण से तारापुर के जदयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।